जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नवीन शिक्षा महाविद्यालय का शुभारंभ आज होने जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो कि विगत समय यहां पर आए थे और हमारे सम्माननीय राजस्व मंत्री आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी ने हमसे बात रखी थी कि क्षेत्र में ये चिकित्सा महाविद्यालय की नितांत आवश्यकता है और उन्होंने आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत शीघ्र ही निर्णय लेते हुए आज यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारंभ माननीय भूपेश बघेल जी जो कि वर्चुअल रूप से हमसे जुड़ेंगे, आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी भी हमसे जुड़ेंगे, आदरणीय आशीर्वाद में प्राप्त होगा। आइए हम सब चलते हैं सम्मानी मंच की ओर। आज के हमारे इस मंत्री कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेमचंद सिंह टेकाम जी जो कि हमारे प्रभारी मंत्री हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं जिलाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब डॉक्टर जी के माध्यम से शुभकामनाएं निश्चित करें। हमारे बीच आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, जिनके अथक प्रयत्नों से ये महाविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, एक बार पुनः कलेक्टर मैडम से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच सांसद महोदय श्रीमती ज्योत्ना महंत जी भी मंचा सिंह, उनके स्वागत के पुनः एक बार जिलाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रभारी मंत्री के स्वागत के लिए सीओ जिला पंचायत श्री कुंदन कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। इसी क्रम में आदरणीय सीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल साहब का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक बार पुनः सीओ साहब से मेरा निवेदन है कि माननीय सांसद महोदय का भी वो पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। नवीन चिकित्सा मंत्रालय के अधीन श्री वाई डी बड़गैया जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय बड़गैया जी से मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री महोदय जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और माननीय सांसद महोदय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी का भी स्वागत दिन सर करने का दस्त करेंगे। हमारे बीच श्री पुरुषोत्तम कंवर जी उपाध्यक्ष मध्य क्षेत्र दिवस विकास प्राधिकरण पंचायत है जो हमारे रघोरा के सम्मानी विधायक भी हैं, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, मैं उनके स्वागत के लिए डॉक्टर बी वी बोर्डे जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और पुरुषोत्तम कंवर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में आदरणीय बोर्डे साहब से निवेदन है कि वे श्री मोहित केरकेट्टा जी विधायक पाली थानाकार जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मोहित केरकेट्टा जी विधायक पाली थानाकार स्वागत करें श्री बोर्डे साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राजकिशोर प्रसाद जी जो कि महापौर हैं हमारे नगर पालिका निगम कोरबा के, उनके स्वागत के लिए भी डॉक्टर बोर्डे साहब से मैं निवेदन करूंगा। मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रही श्रीमती शिव कला छत्रपाल सिंह कंवर जिला पंचायत कोरबा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए पर पुनः बड़े साहब से मैं निवेदन करूंगा। और श्री श्याम सुंदर सोनी जी जो कि हमारे सभापति महोदय हैं नगर पालिका निगम कोरबा के, उनका भी वे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंचस्थ अतिथि जो हमारे पिछले क्रम में बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहसीलदार कोरबा श्री सुरेश साहू जी से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। नरेंद्र जसवाल जी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संतोष राठौर जी, श्री विकास सिंह जी महामंत्री, श्रीकांत भुटिया जी चेयरमैन ग्रुप कमेटी, श्रीमती शर्मा चौहान जी जिलाध्यक्ष सरह, श्री हरीश प्रसाद जी प्रदेश महामंत्री, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अब आप सबको जिलाधीश महोदय की ओर यह चलता हूँ जिन्होंने इस चिकित्सा महाविद्यालय के शुभारंभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनसे सादर निवेदन है
ये एकदम सामने मत जाइएगा। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद कोरबा माननीय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, माननीय विधायक कठोरा श्री पुरुषोत्तम कंवर जी, माननीय विधायक पालिकाना खान श्री मोहित राम केपेट्टा जी, माननीय महापौर नगर पालिक निगम कोरबा श्री राजकिशोर प्रसाद जी, जिला पंचायत अध्यक्षा माननीय श्रीमती शशिकला कंवर जी, यहाँ पर उपस्थित सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर, डीएफओ मैडम, एडीएम मैडम, नवीन स्थापित मेडिकल कॉलेज के डीन श्री बड़गैया साहब, सीएमएचओ बोड़े साहब, सिविल सर्जन तिवारी जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथियों का, यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का, मीडिया के सभी साथियों का मैं जिला प्रशासन कोरबा की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसी भी जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, और यदि मेडिकल कॉलेज कोरबा जिले में खुलेगा तो उसका लाभ दूर दूर के इलाकों तक मिलेगा। उसी को तारतम्य में रखते हुए राज्य शासन के द्वारा प्रयास करके 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, जिसमें कोरबा भी एक था, और उसके लिए जो भी जिला स्तर पर आवश्यकता थी मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का शुरू होते ही यहाँ हर साल 100 विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पर सतत रूप से एडमिशन मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए भवन सहित विविध प्रकार के नॉर्म्स जो एमसीआई के नॉर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की होते हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए आईटी कॉलेज परिसर में जो 4 ब्लॉक्स हैं उनमें से 2 ब्लॉक्स को हम लोगों ने एक सेपरेट कैंपस बना करके मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है, एवं साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है सर कि आईटी कॉलेज को किसी प्रकार से परेशानी वहाँ के विद्यार्थियों को ना हो, यदि उन्हें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी तो उसमें भी हम लोग जो है सहयोग करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जो हमको बताया गया था वो सारी हम लोगों ने चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल कराई हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, और अभी मेडिकल कॉलेज के लिए इसी कैंपस से लगी हुई 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके लिए 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने एडिशनल जो है सुविधाओं का विस्तार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया है, ताकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के रूप में वह कार्य कर सके। यहाँ पर जितने लाइब्रेरी की स्पेसिफिकेशन होते हैं कि 1600 स्क्वायर मीटर की लाइब्रेरी होना चाहिए, अलग अलग अध्यापन कक्ष होना चाहिए, 6 डिपार्टमेंट्स के लिए विशेष स्थान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने इस बिल्डिंग में प्लान करके देखी हैं वो इसमें फुलफिल हो रही हैं, ताकि एमसीआई की टीम का जब निरीक्षण किया जाएगा तो किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। इस कैंपस का टोटल एरिया जो है 16,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें से 8,000 स्क्वायर मीटर का एरिया मतलब लगभग आधा एरिया हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल 120 की क्षमता का और बॉयज हॉस्टल 200 की क्षमता का है, तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर डिसेक्शन हॉल, एटोनॉमी के लिए एटोनॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर स्थान अवेलेबल रहेगा, और स्टेट की जो टेक्निकल टीम के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो लागत टोटल लगनी है उसमें से 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन अध्यापन के लिए 280 विविध पदों पर नियुक्तियाँ की जानी हैं। जिला चिकित्सालय कोरबा में वर्तमान में 43 चिकित्सक पदस्थ हैं, और इनमें से 7 चिकित्सक ऐसे हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 13 चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट और 14 चिकित्सकों को प्रदर्शक जूनियर रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त जितने भी प्रोफेसर सब प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक प्रदर्शक जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट ये सब की आवश्यकता होगी उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है डीन साहब के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ भी पदस्थ है और मेडिकल और नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदंडों के अनुसार हमें 175 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसका भी कार्यवाही जो है उनके द्वारा की जा रही है और इस प्रयास ये किया जा रहा है कि इसी सत्र से जो है इसमें एडमिशन्स प्रारंभ हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विविध प्रकार के संक्रामक असंक्रामक रोगों और कोरबा चूंकि एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है उसमें विविध प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियां भी लोगों को होती हैं और ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेडिकल कॉलेज में एक स्पेशल सेल का निर्माण भी आगे किए जाने की योजना है जिसमें कि कोरबा में जो स्पेसिफिक ज़्यादा डिजीजेस होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन से उसको ट्रीट किया जा सके इस दिशा में भी मेडिकल कॉलेज कार्य करेगा। एवं मैं जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मंचस्थ अतिथियों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सभी जो तैयारियां हैं वो मैक्सिमम तैयारियां की जा चुकी हैं। जो शेष और भी आवश्यकता होगी जिला प्रशासन के द्वारा उसको समय रहते पूरा कर लिया जाएगा एवं शासन की मंशानुसार हम अगले सत्र से ही कॉलेज की पढ़ाई हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधीश महोदय। और आइए हम सब चलते हैं सम्मानी मंच की ओर। कुछ ही देर पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबसे जुड़ेंगे। उसके पूर्व उद्बोधन की कड़ी में सर्वप्रथम चूंकि समय में काफी कम है और उस समय में जैसा आदरणीय राजेश मंत्री जी का निवेदन है संक्षिप्त में बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे और नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ होगा। मैं आइए आप सबको लिए चलता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद कोरबा की श्रीमती ज्योत्सना महंत जी की ओर। उनसे मैं सभी ने निवेदन करूँगा इस अवसर पर हमें आशीर्वचन देने में कष्ट करें। एक बार पुनः आप सबसे गुजारिश जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें अभिनंदन करें। महाविद्यालय कोरबा के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित यहाँ कुछ रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय प्रेम सहाय जी जय सिंह अग्रवाल जी के बेटा जी पुरुषोत्तम जी महापौर जी लोकसभा के माननीय विधायकगण माननीय निवासी जनप्रतिनिधिगण शिवकला जी उषा तिवारी जी सपना चौहान अभिषेक वाजपेयी अर्चना उपाध्याय प्रदीप मनोज और सम्माननीय पत्रकारगण की जो हम और हमारी सरकार हमारे मंत्री जो इस समय वहाँ पर बैठे हैं अथक प्रयास किए केंद्र से लेके राज्य सरकार तक और आज आपके सामने वो हमारा सपना फलीभूत हो गया है। आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसलिए मेरा आदरणीय महन जी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदरणीय जय सिंह भैया का जो हम लोग यहाँ के सपने और लक्ष्य के ऊपर चले हैं हमारा लक्ष्य था कि हमारे कोरबा शहर में और कोरबा लोकसभा की जनता को विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें शिक्षा मिले जन्म मिले जो आपका अधिकार है उसको दिलाना हमारा परम कर्तव्य रहा और उस ओर हम लोग आगे बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ की आम जनता बड़े लोग तो बड़े जगह जाके दिल्ली बॉम्बे में अपना इलाज करा सकते हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है लेकिन हमारे शहर में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बिलासपुर और रायपुर जाके अपना इलाज कराना पड़ता था जो दूसरे शहरों में जाके जो मुश्किलें और हालात होते हैं उन सबसे हम लोग वाकिफ हैं तो ये अब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ सब सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल एक महाविद्यालय जो हमारे यहाँ यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं
जो पढ़ सकते हैं इस विद्यालय में, जैसा कि हमें कलेक्टर महोदय ने कहा, और जिनका नाम लेना मैं विशेष कर भूल गई थी, जो हमारे विशेष सहयोगी हैं चिकित्सा में महाविद्यालय के डीन बड़गैया जी, जो बहुत हमारे उनसे फैमिली संबंध हैं और अभी हमें कह भी रहे थे, और इस विषय में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनसे हमारी चर्चा भी हो चुकी थी कि यहाँ पर हमें किस प्रकार का हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ के CMHO बोडे जी और सिविल सर्जन डॉक्टर तिवारी जी, हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको वो सब सुविधाएं देंगे जो आपको बाहर जाके देनी पड़ती थी। और आप एक तो हम ईश्वर से ये शुभकामनाएँ और दुआ मानते हैं कि आप लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी इस जीवन में हम लोगों को कभी कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो आपके लिए ये महाविद्यालय, ये हॉस्पिटल खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज, ताकि आपकी यहाँ पर अच्छे से अच्छी देख रेख हो सके और फिर से पुनः आपको आपके शहर के लिए ये उपलब्धि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाई है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी का कुछ ज़्यादा ही हम लोगों पर आशीर्वाद बना हुआ है आपकी कोरबा लोकसभा पर, जहाँ कर ये विशेष कर हमारी सभी चीज़ों को सुनते हैं ध्यान से और उसको पूरा करते हैं। तो ये सरकार आपकी है, आपके काम के लिए है, आपकी सब मुसीबतों को दूर करने के लिए है। अंत में यही कहूँगी, क्योंकि हम लोगों को भी जल्दी है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ और मैं आभारी हूँ। चलिए सर पीछे, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, और मैं आप सबको लिए चलता हूँ। माननीय राजस्व मंत्री श्री जय सिंह, और इस बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री PS सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। आइए हम सब कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें कोरबा वासियों की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परम सम्मानित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अगुवा
सम्मानित मुख्यमंत्री बड़े भैया बघेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भैया नाटक रस महान जी, सम्मानित हमारे जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, हमारे जिला के सम्मानित राजस्व मंत्री बड़े भैया जयसिंह अग्रवाल जी, साथ में सम्मानित हमारे भावी श्री सांसद ज्योत्सना महान जी, साथ में मेरे सपाटी भाई राजवीर दर्जा विधायक कटोरा पुरुषोत्तम कंवर जी, साथ में जिला के जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे दीदी कंवर जी, यहाँ के हमारे महापौर भाई राजकिशोर जी, यहाँ के हमारे सभापति सोनी साहब जी, साथ में हमारे इस मंच में इस कार्यक्रम में भाग ले सभी पार्षदगण और सभी मेरे आप इस कार्यक्रम भाग लेने वाले और जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर मैया जी और हमारे सीएमओ साहब, आप सबको मेरा नमन सादर नमन प्रणाम है। आज का दिन बड़ी खुशी की बात है, वास्तविक में जो सपना जो था एक महाविद्यालय एक शासकीय चिकित्सालय का जो आज पूरा हुआ, जो कि अथक प्रयास से हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का आशीर्वाद से, आज हमारे सभी मंत्री महोदय के आशीर्वाद से, आप सभी पार्षदगण के आशीर्वाद से ये आपको मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार को और आपका यह जो सेवा आपके हमारे बच्चों के लिए एक नया एक डॉक्टर बनने का मौका बहुत बड़ा एक योगदान मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मिला है। निश्चित रूप से हमारे कोरबा जिला बहुत ही आगे बढ़ेगी हर हर दिशा में, और मैं यही करते हुए आज कार्यक्रम के लिए मैं चाहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। उद्बोधन की कड़ी में मैं आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कंवर जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें, पुनः एक बार तालियों की गुजारिश आप सबसे करूंगा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता रे की। आज बड़ी हर्ष और खुशी का अवसर है, आज कोरबा जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर वर्चुअल मोड में हमसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेस वर्ग जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय स्पीकर साहब रामदास महान जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय राजस्व मंत्री भैया जय सिंह अग्रवाल जी, सांसद महोदय भागी श्रीमती ज्योतना चरण दास महान जी, विधायक साथी भाई मोहन चरकेटा जी, कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शीतला कंवर जी, कलेक्टर मैडम, हमारे जिला पंचायत के योजा भाई प्रसाद, हमारे सभापति धोनी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती ईशा तिवारी जी, हरीश परसाई जी, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर श्यामलाल कंवर जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर सत्य सुधार जी, प्रकाश कंवर जी, सतपाल जी, सूरज महान जी, उपस्थित सभी डॉक्टर डॉक्टर पिताब, हमारे सभी प्रगत सम्मानित पार्षदगण, सभी देवी और सज्जनों, विशेष रूप से कॉलेज संचालन करने वाले मंत्रीजा साहब, हमारे भोले जी, तिवारी जी और सभी उपस्थित आज छत्तीसगढ़ को कि हमारे मुखिया मुख्यमंत्री के द्वारा कोरबा जिले को सौगात के रूप में मेडिकल कॉलेज दिया गया है, जिसका सपना हम सब लोग लंबे समय से देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ होने से निश्चित रूप से कोरबा जिले के साथ साथ हमारे पड़ोसी जिले चांपा जयंती जिले और गोवला के द्वारा नौभाई कमेश का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, और इन बात की कड़ी में आज उम्मीद का पत्थर कोरबा जिले को हमको सौगात के रूप में मिला है। यहाँ से हमारे 5 साल बाद जब डॉक्टर सही करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ वृद्धि होगी, और आने वाले 5 सालों के बाद हमारे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। कोरबा चिकित्सा महाविद्यालय रोज चिकित्सा की सेवाएँ हमें प्राप्त होंगी, क्योंकि हमारा कोरबा जिला संपन्न जिला है। मैं मानता हूँ जितने भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और विश्व सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज हमारे कोरबा जिले का होगा। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, समझ लीजिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।
धन्यवाद आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी। और आइए हम सब चलते हैं, जिन्होंने कोरबा में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार प्रयास किया, हमारे अपने और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। कोरबा औद्योगिक नगरी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के भव्य उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित पैकू से हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बीआर भूपेश बघेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे संरक्षक बीआर डॉक्टर चरणदास महन जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री बीआर प्रेम सह सिंह जी टेकाम जी, हमारी लोकप्रिय सांसद भावी श्रीमती ज्योत्सना महन जी, परघोरा के विधायक भाई पुरुषोत्तम कंवर जी, तानाखार के विधायक भाई मोहितराम केकेट्टा जी, यहाँ के महापौर भैया राजकिशोर प्रसाद जी, सभापति सोनी जी उपस्थित, शिवकला कंवर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ की कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल जी और यहाँ इस महाविद्यालय के डीन बड़गैया जी उपस्थित, जिला पंचायत के सीओ, निगम के आयुक्त और यहाँ के डीएफओ, एडीएम, यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर बोर्डे जी, सिविल सर्जन तिवारी जी उपस्थित, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष सपना चौहान और विभिन्न प्रकोष्ठ के कांग्रेस के सभी सम्मानीय पदाधिकारी और सदस्यगण, कोरबा क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं उपस्थित, हमारी माताएं बहनें और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत खुशी की बात है कि आज नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन इस आईटी कॉलेज के एक 50% परिसर को अभी सुरक्षित किया गया है और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए फंड भी स्वीकृत कर दिया, अति शीघ्र ही निविदा जारी होगी, उसके बाद नई बिल्डिंग का निर्माण भी होगा और ये महाविद्यालय अभी प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इसके बारे में दो लाइन ये बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, हम लोग जगदलपुर प्रवास पर स्टेट प्लेन में थे, तो स्टेट प्लेन में मैंने जब चर्चा की और कहा कि भाई कोरबा हमारा महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण जिला है और चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं, इसलिए चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में, रायगढ़ में, जगदलपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में सब जगह खुल चुके हैं, लेकिन कोरबा उसमें छूट गया है। कोरबा सबसे ज्यादा रैंकिंग देने वाला हमारा जिला है, कोरबा रेलवे जोन को सबसे ज्यादा देश में इनकम देता है, कोरबा ऐसी क्षेत्र जो खदानें पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इनकम और प्रोडक्शन खदानें हैं, इसलिए कोरबा में चिकित्सा महाविद्यालय बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल अगला चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में बनेगा और फिर बताया गया कि तीन चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थिति होना है उसमें पहला चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में खुलेगा। जब मुख्यमंत्री जी का या डॉक्टर चरणदास महन जी का कोरबा प्रवास हुआ पिछले साल, तो हमने जब मांग रखी तो हम सब की भावनाओं की कदर करते हुए मैंने मांग रखी, भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, हमारी सांसद सब ने, हमारे विधायक साथियों ने सब ने उसका समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से घोषणा की और उस समय लोगों को ऐसा लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि जो घोषणा हुई है वो पूरी होगी और आज वो दिन, शुभ दिन आज आ गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी प्रेम सह सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, सांसद सबकी उपस्थिति में आज इसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है, क्योंकि ये उद्घाटन कई लोग बोलते हैं कि जल्दबाजी में नहीं है, ये उद्घाटन इसलिए किया जा रहा है कि हम इस कॉलेज को इसी वर्ष से प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग भी समझते होंगे, इसलिए हमारे पास आईटी कॉलेज की ये सेपरेट बिल्डिंग जो जिसका उपयोग अभी नहीं हो पा रहा था उसका हिस्सा लेते हुए इसको प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बगल में 25 एकड़ जमीन अलॉट की जा चुकी है और 25 एकड़ जमीन में बहुत ही अच्छा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण होगा। कुछ लोग क्षेत्र में इस बात करते हैं कि इसको यहाँ बनना चाहिए, वहां बनना चाहिए, सबसे पहली जरूरत इस महाविद्यालय के खोलने के लिए 300 बेड के हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, जो आपके कोरबा आपके 100 बेड जो 150 के आसपास हो चुका है, आपका ट्रामा सेंटर, ईएसआई हॉस्पिटल, इन तीनों को मिला के 300 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है और 100 बेड में भी
बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, भैया डॉक्टर चरणदास महन जी को, सांसद महोदय को बताया कि कोरबा में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं और चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा की सुविधाएं अन्य जिलों से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए अभी स्कूलों को जीर्णोद्धार करने के लिए 31 करोड़ का सैंक्शन किया गया है, जो स्कूलों में कहीं बाउंड्री वाल, भवन की, फर्श की, बिजली की, पानी की जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा। आने वाले समय में जो मार्च अप्रैल में मीटिंग होगी उसमें और भी पैसा सैंक्शन करेंगे ताकि पूरे जिले के स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र सबको अपग्रेड किया जाएगा ताकि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला कहीं भी पीछे न रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भैया डॉक्टर चरणदास महन जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, सांसद जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, सभी हमारे विधायक साथियों सभी को, कोरबा क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस खुशी के क्षण में कि एक बहुत बड़ी सौगात कोरबा वासियों को मिलने जा रही है। इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी का जो कोरबा प्रवास हुआ तो उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की और इसके साथ साथ जब हम लोग सतरेंगा में थे तो सतरेंगा में मैंने कहा कि भैया इसको और ज्यादा इसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो अभी आपने बजट में सतरेंगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको शामिल किया कि उसको और ज्यादा विकसित किया जाएगा। हमारा सतरेंगा पूरे प्रदेश में नहीं देश में इसका नाम होगा। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के लिए 10 करोड़ रुपया आपने स्वीकृत कराया, जो आपका अशोक वाटिका में लगेगा। 45 एकड़ को विकसित किया जाएगा शहर के बीच में, सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आपने बरबसपुर से आपका गोपालपुर तक की सड़क की आपने घोषणा की, आपके 200 करोड़ रुपए ऐसी से लेके सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। आप अभी जब पिछली बार गडकरी जी से मिलने गए और आपने 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लिए सड़कों के लिए सैंक्शन कराया, जिसमें हमारा जो चांपा से आपका बरबसपुर और बरबसपुर से कटघोरा, कटघोरा से बिलासपुर का तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है 4 लेन, और आपका बरबसपुर से और कटघोरा का अभी 999 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ आपका चांपा से आपका बरबसपुर की 640 करोड़ रुपए की निविदा कल हो चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी साल ये दोनों रोड का भी निर्माण होगा, उसके बाद चांपा, कोरबा, कटघोरा और बिलासपुर तो हमारा 4 लेन बनेगा। इधर आपका आपका फायरमाला का रोड बनेगा, जो ये बहुत बड़ा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सांसद भी हमारी दिल्ली में लगी रहती है, तो निश्चित तौर पे कोरबा का बहुत विकास होगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में 15 साल में ये 5 तहसील नहीं बना पाए और आपके सिर्फ कोरबा जिले को 5 तहसील मिल रही है, अकेले कोरबा जिले को। तो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग सुविधाएं लोगों को देना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गांव गांव में सुविधाएं देना चाहते हैं। तहसील, उप तहसील, अनुभाग और कोरेला पिंडरा मरवाही जिले का निर्माण किए। इसके साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भैया डॉक्टर चरणदास महन जी और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से कोरबा दिनों दिन तरक्की की ओर अग्रसर है। और इसी प्रकार आप लोगों का आशीर्वाद कोरबा जिला वासियों पे बना रहे। हम लोग चाहते हैं कि कोरबा शहर का नाम बहुत चीजों में एशिया में है, कोयला में, जोन में, छत्तीसगढ़ में, वैरायटी में, तो इसका नाम पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़े, तरक्की करे और कोरबा वासियों को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ मेहतारी की, कर्मदेव भैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय। और आइए हम सब चलते हैं जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा मंत्री भी हैं। उनसे सभी ने निवेदन करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नवीन साथी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के शुभारंभ अवसर पर बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महन जी, स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव जी, कोरबा जिले के विधायक और मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, कोरबा के लोकप्रिय सांसद महावीर श्रीमती योजना महन जी, कटघोरा के विधायक भाई प्रसन्न धवन जी, भाई मोहित जगेटा जी, महापौर कार्तिकोर प्रसाद जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती त्रिकला चंपा सिंह धवन जी, सभापति श्याम सुंदर सोनी जी, यहाँ के कलेक्टर साहब, ये बहुत सीओ जिला पंचायत चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर रोडैया जी, सिविल डॉक्टर रोडे जी, सिविल सर्जन डॉक्टर तिवारी जी, सभी पार्षदगण, सभी नागरिकगण, प्रेम भाई बताई जी, सभी स्पेस के आदरणीय साथियों, जिला कांग्रेस समिति की अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, आज कोरबा जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज सबकी बहुत पुरानी मांग और सभी जनप्रतिनिधि हमारे मंत्री जी और सभी विधायक और सभी प्रतिनिधियों ने यह सोचा था कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और पिछले दिनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर यहाँ घोषणा की थी और आज ये सपना पूरा हो रहा है। मैं पूरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत बहुत धैर्य में चाहता हूँ कि जो सपना आप जो देख रहे थे आज ये पूरा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना अपने आप में एक ऐतिहासिक समय अधीन है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज 100 सीट यहाँ पर होंगे। अब आज आवश्यकता रहती है कि गाँव में चिकित्सक नहीं पहुँच पाते क्योंकि अपने पास डॉक्टरों की कमी रहती है, तो जहाँ जहाँ चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो रही है कोरबा में और यहाँ 100 बच्चे तक निकलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आवश्यकता है उनकी प्रतिपूर्ति होगी। इसका कॉलेज के मेडिकल कॉलेज का जो खोलने का 12 अक्टूबर को 2019 में जो मैंने लिया गया था जिसका पूरा हो रहा है और जितनी आवश्यकता यहाँ की गरीब की होगी, जहाँ इसके स्टाफ की होगी, पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, सबकी जो आवश्यकता होगी उसकी पूरी और जितने फैकल्टी यहाँ पर बनेंगी सबका व्यवस्थित ढंग से हो ताकि MCI जब यहाँ पर आए उसकी जाँच करने की तो सब पूरा हो सके और हम चाहते हैं कि जल्दी ये पूरा हो और पूरा साल बाद न हो, इसी साल मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हो ताकि आधी समय न लगे। तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता है कॉलेज में हम इस परिसर पर यहाँ बैठे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 225 करोड़ की लागत की मेडिकल कॉलेज बनेगा और इसमें पब्लिक सिटी का जो रेशियो रहता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे विधानसभा के अधिकारी महान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इससे गौरवपूर्ण स्थिति यहाँ पर लोग शुभारंभ करें हैं और पूरे कोरबावासियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ सभी लोग यहाँ पर आए हैं, जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जी और सभी हमारे साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत धैर्य देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का ये ऐतिहासिक शुभारंभ, ऐतिहासिक अवसर और आइए हम सब जुड़ते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर चरण दास महन जी की ओर चलते हैं। एक बार पुनः कोरबा वासियों की तरफ से हमको शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार कड़कल धुरी से डॉक्टर महन जी का हम एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें, अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। डॉक्टर चरण दास महन जी से सादर निवेदन की हमें आशीर्वचन देने का प्रस्ताव है। मोबाइल तो हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। आज कोरबा में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है और ये अवसर हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर को प्रदान करने वाले माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले कोरबा प्रवास में कहा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और आज मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना इस बात को बताता है कि हमारी कथनी और करनी में जरा भी अंतर नहीं है। हमने 4 महीने के भीतर उस बात को पूर्ण किया। आज वो अवसर आया तो उन्होंने शुभारंभ की तिथि भी निर्धारित की, आज वो उपस्थित है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए माननीय मंत्री जी जय सिंह जी ने
माननीय सांसद महोदय जी ने, दूसरा जी ने और प्रेम साई जी ने भी पूरी मदद की है। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि मेडिकल कॉलेज शुभारम्भ हो रहा है। इस मेडिकल कॉलेज को हमारी जो अपेक्षाएं हैं उस तक पहुंचाने में पूरी मदद करें। भाई पुरुषोत्तम कंवर बैठे हैं, ननकी राम जी शायद नहीं आ पाए, उनकी जगह श्यामलाल जी बैठे हैं, मोहित राम जी कलकत्ता है, राजकिशोर जी, शिवकला कंवर जी, सिंधर सोनी जी, भाई हरीश परसाई जी, श्रीमती तिवारी जी, श्रीमती चौहान जी और जितने हमारे जनप्रतिनिधि भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। प्रशासन की ओर से डीन वहाँ के बड़गैया जी, वहाँ के सी एम एच ओ बोर्डे जी, सी एस तिवारी जी और जिला प्रशासन के एस पी कलेक्टर सब ने इतनी तत्परता दिखाई कि आज ये कार्यक्रम हम संपादित कर पा रहे हैं। एक सपना था कोरबा का, एक सपना था कोरबा अंचल का कि यहाँ कोरबा अंचल में काम करने वाले कोयला क्षेत्र के कर्मी, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, ये सब लोगों के लिए एक सपना था कि कैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ बने, कैसे हमारे बच्चे वहाँ भर्ती हो सके। इन सबको आज मूर्त रूप देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने धनराशि आवंटित कर दी है, आज हम दोनों नहीं पहुँच पाए विधानसभा के कारण, अगर शिलान्यास में हम दोनों वहाँ उपस्थित रहे ये मेरी अपेक्षा है। जितनी जल्दी निर्माण होगा भवन का, उतनी जल्दी इस महाविद्यालय को और बेहतरी की ओर ले जाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में आज की तारीख में उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज खोला है, महासमुंद में, कांकेर में और कोरबा में। ऐसा मैं स्वयं नहीं सोच पाता था कि हम 2 साल के अंदर इन 3 स्थानों पर खुल पाएंगे, ये मेरे सोच के भी बढ़कर है। और आने वाले दिनों में मैंने उन्होंने जागीर की घोषणा कर दी है और कई जो उनकी घोषणाएं हैं निश्चित रूप से मूर्त रूप लेगी। अभी बजट में भी जितने भी उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको चालू किया है, चाहे वो तहसील हो, चाहे अनुविभाग हो, चाहे महाविद्यालय हो। आज उन शख्स को एक नया अवसर मिला है, हमारे महाराज अभी ध्यानाकर्षण को पूर्ण करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनको भी निवेदन करना चाहूँगा कि कोरबा एक वनांचल है, कोयलांचल है, ऊर्जा नगरी है और यहाँ उसी के अंदाज पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा हो, बेहतर से बेहतर यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे छात्र आए और बेहतर से बेहतर पूरे अंचल को लाभ मिल सके। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बार बार पूरे मुक्त कंठ से भाई उपेंद्र बघेल जी को बधाई देना चाहता हूँ, भाई के सिंह देव को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने कोरबा में हम सबकी मांग को पूरी की और विशेष रूप से सांसद महोदय को और जय सिंह जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी लगातार मेहनत, उनकी लगातार मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी। इस बीच सिंहदेव जी भी हमसे जुड़ गए, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम सब चलते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ओर। उनसे मेरा निवेदन है कि इस नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारम्भ अपने कार्यक्रमों से करेंगे, साथ ही साथ आशीर्वचन भी हमें प्रदान करेंगे। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शुभारम्भ कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष बड़विया डॉक्टर चरणदास महन जी, स्वास्थ्य मंत्री महाराज सरगुजा टी एस सिंह जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साई तेजाम जी, राजस्व मंत्री और स्थानीय विधायक भाई जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय भाभी ज्योतना महन जी, जिसके लोकसभा सदस्य बनते ही पूरा कोरबा लोकसभा में विकास के एक नई दिशा पकड़ी है, चाहे वो अधोसंरचना हो, चाहे पर्यटन के हिसाब से कहो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहो, चाहे अब चिकित्सा क्षेत्र में भी एक वीर का पत्थर साबित हुआ है।
ऐसे भाभी आदरणीय गुरुत्तम जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई पुरुषोत्तम तोमर जी, आदरणीय जानकी राम जी, भाई मोहित देवेक्टा जी, राजकुमार जी, श्रीकला छत्रपाल सिंह तोमर जी, श्याम सुंदर सुनी जी, बड़गैया साहब और हरीश परसाई जी, श्याम राय जी, श्रीमती तिवारी जी, श्रीमती चौहान जी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित कोरबा के सभी भाइयों बहनों युवा साथियों, पत्रकार साथियों, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो केवल एक ही महाविद्यालय था रायपुर में, एक ही मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद फिर बिलासपुर में बना और उसके बाद धीरे धीरे रायगढ़, अंबिकापुर और राजनांदगांव जब तक, लेकिन एक साल में तीन महाविद्यालय स्वीकृत होना, कोरबा, कांकेर और महासमुंद, और उसके साथ साथ एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज का अधिग्रहण कर, कुल मिलाकर चार शासकीय महाविद्यालय एक साल में, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ। और जिस प्रकार से डॉक्टर प्रेम राय सिंह जी ने जो बात कही, डॉक्टरों की कमी से हम जूझते हैं, अब हमारे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इतने सारे हो गए और हमारी कोशिश है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय हो, चिकित्सा महाविद्यालय हो, तो इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें केवल जांजगीर लोकसभा भर बचेगा, हमारी कोशिश है कि इस दिशा में हम लोग तेजी से काम करें और वो भी कमी पूरा करके फिर जिला स्तर पे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, ये हम लोगों को लक्ष्य होना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ें, ऐसे ऐसी सोच हम लोगों की है। आदरणीय मान जी ने जो बातें कही, जय सिंह भाई ने जो बात कही एक कोरबा जिले के विकास में के बारे में, जय सिंह अग्रवाल जी ने विस्तार से आपको बताया सड़कों के बारे में, और पर्यटन के क्षेत्र में सतरेगा को हम राष्ट्रीय मानचित्र में लाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन क्षेत्र विकसित करना चाहते हैं। हम लोग गए थे, रात रुके थे, अध्यक्ष जी भी थे और सब लोग वहाँ थे, बहुत खूबसूरत जगह, इसको उसी प्रकार से विकसित करें ताकि राष्ट्रीय स्तर पर लोग पर्यटन के हिसाब से आए। तो कोरबा की पहचान जहाँ ऊर्जा धानी के रूप में, अब चिकित्सा क्षेत्र के, पर्यटन के क्षेत्र में, तो इस लगातार हम जो स्पेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में कोरबा को जाना जाता है, पिछले क्षेत्र के रूप में भारत सरकार ने इसे चिन्हित किया है, अब हमको विकसित जिले के ओर आगे बढ़ना है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं और इसी साल से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, भवन की व्यवस्था कर ली गई है और बजट में हम लोगों ने तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अब चूँकि बजट सत्र चल रहा है, महाराज साहब के विभाग में जब अनुदान मांग पूरी हो जाएगी और विनियोग जो पारित हो जाएगा तो मार्च के बाद पहले ही इसके राशि अप्रैल महीने में रिलीज कर देंगे ताकि निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके और उसका लाभ कोरबा वासियों को मिले, सुंदर कोरबा बने, स्वस्थ कोरबा रहे, शिक्षित कोरबा बने, ये हम सबकी मंशा होने के अनुरूप काम किया जा रहा है। आप सबको अध्यक्ष जी सहित स्वास्थ्य मंत्री, प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री और स्थानीय विधायकों को और विशेष रूप से सांसद महोदय को बधाई देना चाहता हूँ, जिसके सांसद बनते ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, महापौर और सभी जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्रपाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है, वे बटन दबाकर
नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारंभ कार्य करने का प्रस्ताव करेंगे। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शुभारंभ का ये ऐतिहासिक पर्व हमारे सभी सम्मानीय अतिथि का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद जी को साधारण